Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So here I'm back with another vlog. So how are you all? I hope you all are good. मैं भी ठीक हूँ अल्लाह की दुआ से. So आज मैं आया हूँ यहाँ पे अपने पुराने कॉलेज ओल्ड कॉलेज जिसका नाम है BMSG इंटर कॉलेज. यहाँ से मैंने इंटर अपना इंटर जो है वो पास किया था. तो आज आप लोग सोच रहे हैं कि आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. तो यहाँ पे एक काम था, जैसे कि आप लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह अहमद फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए. तो अहमद भी यहीं से कर रहे हैं अपना जो फर्स्ट ईयर इंटर करेंगे वो यहीं से करेंगे. सो इस वजह से मैं उनको एडमिशन दिलाने एडमिशन का फॉर्म लेने आया था उनका और उनके साथ ही, क्योंकि वो पीछे कैमरे के पीछे हैं. सो मैंने सोचा आप लोगों को अपना ओल्ड कॉलेज में दिखा दूँ और उसका पूरा टूर तो नहीं करा सकता क्योंकि बहुत बड़ा माशाल्लाह कॉलेज है, इसका पूरा टूर जो नहीं हो सकता. लेकिन हाँ, जो मैं कुछ अपनी क्लास जैसे कि हॉल वगैरह असेंबली कहाँ होती थी या थोड़ा बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आप लोग इस व्लॉग में. सो बने रहिए इस व्लॉग में एंड तक और डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर व्लॉग पसंद आया हो तो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से हम लोगों ने मैंने और मेरे जो फ्रेंड्स थे और मोहम्मद ने भाई ने मेरे यहाँ से एडमिशन लिया था, जो कि यहाँ पर बंद है. अब यहाँ पर फॉर्म नहीं मिल रहा है, नीचे फॉर्म मिल रहा है. तो अहमद का नीचे से फॉर्म लेते हैं. तो अहमद ने फॉर्म ले लिया है, अब इस फॉर्म को परसों सबमिट करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के नाम की. तो इस कॉलेज का नाम है BNSG इंटर कॉलेज, जिसका फुल नेम है ब्रह्मा आनंद कॉलेज. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये क्लासेस हैं, अब ये यहाँ की क्लासेस हैं और मैं आपको अपना हाथ दिखाता हूँ. तो यहाँ पे ये अंदर मेरा क्लास है. हाँ, तो जी हाँ, ये दिस इज़ माई क्लास जो कि बंद था और अभी मैंने इसको खोला है. तो मैंने अंदर आके वीडियो बनाई है, बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा क्लास है और बहुत प्यारा है. तो ये रहा मेरा फर्स्ट ईयर का 11th का क्लास, यहीं पे मैं बैठता था और यहीं पे मैं पढ़ता था. काफ़ी सारी मेमोरीज तो मुझे सहमत याद आ जाती है. तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की. ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, कान्या गुप्ता एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ. देन इसका रीनेम, मतलब इसका नेम फिर से चेंज होकर 1968 में BNSG कॉलेज हो गया, ब्रह्मानंद कॉलेज, जो कि मिस्टर ब्रह्मानंद मिश्रा जो कि इस कॉलेज के फाउंडर थे उनकी याद में ये नेम फिर से चेंज हुआ BNSG इंटर कॉलेज. तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग कि यहाँ पे जो ये आप लोग ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे असेंबली भी होती थी कभी कभी और कभी कभी हम लोग यहाँ पे भाग भी जाते थे क्लास बंक करके टीचर से बच के. इधर इधर से यहाँ पे दूसरी जगह चले जाते हैं, उधर दिखाइए. और फ्रेंड्स बात करें इस कॉलेज के प्रेजेंट प्रिंसिपल की, तो इस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर विवेक कुमार द्विवेदी. और बात करें इस कॉलेज की खूबसूरती की, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं ये कॉलेज कितना ज़्यादा प्रिटी और खूबसूरत है. क्योंकि जब कॉलेज खूबसूरत होता है तो जब कॉलेज क्लास ब्रेक होता है या बंक करते हैं तो घूमने फिरने में उतना मज़ा आता है. एकदम सन्नाटा हो रहा है इस कॉलेज में, तभी मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि तेज़ बोलूँगा तो आवाज़ पूरे में गूंज रही है यहाँ पे. अगर आप उस तरफ देख पा रहे होंगे तो उस तरफ 6th to 10th आई थिंक क्लासेस लगती हैं. तो हम लोग इधर से भी आ सकते हैं और उधर से भी आ सकते हैं. अभी उधर का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मेन गेट दिखाता हूँ. तो चलिए, क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, आई थिंक अब अंधेरा होगा. तो यहाँ पे ये जो ये मेन मतलब गेट के सामने जस्ट यहाँ पे हॉल है, तो यहाँ पे असेंबली भी होती है. और मैं अभी आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे अब गेम का भी कुछ बन गया है. और एक तरफ से रास्ता, इस तरफ से भी रास्ता है और एक रास्ता जो है ये आपको सामने दिख रहा है कि ये मेन गेट है, पर यहाँ मेट्रो का वर्क हो रहा है इस वजह से नहीं. तो ये एक रास्ता ये भी है ऊपर जाने का. ये मेन गेट है यहाँ पे, पर यहाँ पे मेट्रो का पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे काम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे यहाँ से नहीं आए थे, वहीं से अभी बहुत सारे वैसे तो काफ़ी गेट हैं. तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अहमद आओ. तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऊपर का, तो ऊपर के दिखाते हैं. चलिए, सीढ़ियाँ काफ़ी ऊँची थी और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ मेट्रो जैसा है, मेट्रो का काम हो रहा है क्योंकि. तो ऊपर आके सबसे पहले ये आता है साइंस लैब और ऑफिस
और फिर देन ये आता है जो पे मैं नीचे से बता रहा था कि ये एक हॉल है, यहाँ पे असेंबली होती है और अब ये गेम का कुछ बन गया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये हॉल यहाँ पे है, यहाँ पे पहले असेंबली होती थी लेकिन अब यहाँ पे गेम का कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या, क्योंकि 2-3 साल हो गए, नहीं सॉरी 2 साल हो गए, 2022 में आई थिंक, या 2020 में मैंने इंटर किया था, सो 2 साल हो गए, इस वजह से थोड़ा अपडेट हो गया ये कॉलेज, तो इसका नहीं पता कि क्या गेम कौन सा। ज़्यादा सन्नाटा नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो बस एडमिशन करा के फॉर्म लेके चले जा रहे हैं और बाकी कोई नहीं है 2-3 टीचर के अलावा। तो इतने बड़े कॉलेज में मतलब हम लोग अकेले हैं, तो अगर हम लोग खो जाएं तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा, लाइव चला दे रहा हूँ, तो हम लोग को यहीं ढूंढ लीजिएगा कि यहीं से खोएं। जो ये आप लोगों को अभी मैं अभी दिखाएंगे अभी, तो यहाँ पे फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते थे, अब फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते थे, वो सब यहीं पे होते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ताला लगा है हर जगह की तरह, यहाँ पे भी ताला लगा है, तो खिड़की से देख लीजिए आप, फिर यहाँ पे दिखाइए तरफ, तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबके प्रैक्टिकल्स होते थे, जो टेबल लग रही है आपको दिख रही है सॉरी, तो रोल नंबर वाइज यहीं पे सबके प्रैक्टिकल्स होते थे, प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत मज़ा करते थे, प्रैक्टिकल से ज़्यादा हम लोग बातें और मज़ा करते थे, और यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे रूम्स हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते थे, बहुत कुछ है दिखाने लगे, बहुत बड़ा कॉलेज है एक्चुअली ये, लेकिन यहाँ पे सब जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे बंद है, और नॉर्मल डेज में आके यहाँ पे व्लॉग तो नहीं बना सकते होम टू ये सॉरी कॉलेज। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी मेरा फिजिकल जो डिपार्टमेंट था, फिजिक्स का डिपार्टमेंट, वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते थे, सो उसके जस्ट यहाँ पे जो आप लोगों को गैलरी दिख रही है, यहीं से होते हुए अब मैं आप लोगों को ले चलूँगा अपनी 12th की क्लास में। अभी आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर की क्लास दिखाई थी और अब दिखाऊँगा मैं आप लोगों को 12th की क्लास, तो चलिए। और ये देखिए यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है, इस क्लास में भी लॉक लगा हुआ है, तो चलिए कोई नहीं मैं आपको विंडो से ही दिखा देता हूँ। ये ओफो गर्दा देखो कितना यहाँ पे, शायद सालों से यहाँ पे वो नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई टूडेज माई कॉलेज टूअर, ओल्ड कॉलेज टूअर, सो ये कॉलेज की बहुत सारी मेमोरीज हैं, कितने क्लासेस बंद किए, कितनी क्लासेस में मतलब क्या क्या मज़ा आया, कितने टीचर्स से फिटे, तो आज सारी यादें जो हैं वो सब ताज़ा हो गई हैं, और एक याद कुछ है ऐसी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लेकिन बता नहीं सकता, तो उसमें सोच सोच अहमद को भी मैंने बताई तो बहुत बहुत हंस रहे थे। सो इस कॉलेज के टूर में बस इतना ही, अभी बहुत कुछ था छत पे और बहुत सारी क्लासेस थी जो कि ताला लगा है बंद है, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है मतलब सब कुछ बंद है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, सन्नाटा है, वो 2-4 टीचर्स हैं। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक यहाँ तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, ओके बाय बाय, खुदा हाफिज़।